اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. आज के जो दर्ज के लिए जो अदीस मैंने देखी हैं या चुनी हैं जो जो आपके सामने मैं रखूँगा और जिनका ताल्लुक़ भी रमज़ान से है और रमज़ान के हवाले से है लेकिन बहरहाल वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ़ इंसान को रमज़ान के अलावा भी तवज्जो देते रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इंसान उस तरह से जो है अपनी ज़िंदगी बसर करे और वो ये है अबू दाऊद की हदीस है कि अबी अन अभी, अभी हुररा तो रज़ी अल्लाब लोग बेहन नबिया सल्ह वसमा मनसाम रमज़ान ईमानन यानी हर तो हुररा रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि आ हज़ूर सल्ला वसम ने फ़रमाया कि मनसामा रमज़ान ईमान कि जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान की हालत में रखे वाह तसाबन यानी अपना एहतसाब करते हुए या अजर की तवक्को से रखे यानी खुदा तला से अजर की तवक्को से रखे गफ़िर माँ तद्दम मनजम्बिही कि उसके लिए बख्श दिए जाते हैं यानी रमज़ान से पहले किए गए गुनाह जो हैं वो उसके खुदा बख्श देता है वमन काम लिलातुल्कद्र ईमान वाहत साबन और जो कदर की शब इबादत के क़्याम की गर्ज से और अजर की तवक्को से खड़ा हुआ वफ़िरतकद्दा मिन ही उससे भी उसके गुनाह जो हैं वो बख्श दिए जाते हैं मुहासबा नफ्स रमज़ान और मुहासबा नफ्स आज के दर्स कानवान कह लें या टॉपिक कह लें हैरतमर मिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तनों से मरवी है कौली के रसूल करीम सल्हसम ने फरमाया कि हासबु अफुसकुम कबला अन तो हासबु व तज़यनु लर्जिल अकबरी व इनमा यिफुल हिसाबु योम कयावती अलामाम हासब हासबा नफसहु फ़िद दुनिया व यवा अन मईमूनी मैम मेहराना कौला

अपने नफ्स का मुहासबा करो कबल इसके कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए और फरमाया व अकबर, और बड़ी पेशी के लिए यानि अल्लाह ताला के हुजूर जब पेश होना है उसके लिए जीनत इख्तियार करो तजयन ज़ीनत इख्तियार करो फिर फरमाया कि व इनमा यफ़ुल हिसाब यौमल क़ियामतीमन हासबा न अफसा के जो शख्स दुनिया में अपना मुहासबा करता रहेगा क्या के रोज़ उसका हल्का फुल्का हिसाब लिया जाएगा यानी उसका हिसाब हल्का हो जाएगा क्योंकि वो दुनिया में ही अपना हिसाब जो है वो कर रहा है और उसके मुताबिक उसको बेहतर बेहतरी करने की कोशिश कर रहा है और मैम बिन मेहरान का कॉल है और आप कहते हैं कि इंसान को उस वक्त तक अब्द नहीं कह सकते जब तक कि अपना मुहासबा नफ्स ना करे जिस तरह वो अपने शरीक कार का मुहासबा करता है और वो कहते हैं कि वो किस बारीकी से है कि वो खाना कहाँ से कहता है लिबास कहाँ से लेता है एक मौके पर आ हज़ूर सल्ला वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स रमज़ान में ईमान की हालत में एहताब करते हुए रोज़े रखता है और इबादत बजा लाता है वो गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसे कि माँ ने जैसे उसकी माँ ने उसे जन्म दिया हो तो हिसाब या मुहासबा एहत अपना ख़ुद करना बहुत ज़रूरी बात है क़ुरान करीम में खुदा तला भी सूरतुल्हशर में फरमाता है कि या यूहजीना अमन उत्तुल्ला वल तंज़ुर नफसम माँ कद्दमत लिगद क्या लोगो अल्लाह का तकवा अख्तियार करो वल तंज़ुर नफसुन और हर जान ये नज़र रखे कि वो माँ कद्दमत लिगद कल के लिए क्या आगे भेज रही है ये मुहासबा ही है कि इस बात को चेक करते रहो कि आखिरकार हम कल के लिए आगे भेज क्या रहे हैं क्या हमारे अमाल ऐसे हैं या उन अमाल में कोई कमी तो नहीं रहेगी जो हम आगे अपने लिए कल के लिए भेज रहे हैं तो वल तंज और नफ्स मत लगा मतलब वही बात आ गई कि हासीबु नफ़सा हासीबु नफ़सा को कबला हासीबू के अपने नफ्स का मुहासबा करो इससे पहले के खुदा तला के मुहासबे का वक्त आ जाए सलाम फरमाते हैं सो अपने दिलों को हरदम टटोलते रहो और जैसे पान खाने वाला अपने पानों को फेरता रहता है और रद्दी टुकड़े को काटता है और बाहर फेंकता है इसी तरह तुम भी अपने दिलों के मखफ़ी ख़्यालत और मखफ़ी आदात और मखफ़ी जज्बात और मखफी मलकात को अपनी नज़र के सामने फेरते रहो जैसे पान खाने वाला पान को अपने मुंह में फेरता है और फिर आखिरकार जो बचता है उसको बाहर फेंक देता है यानी जो ज़ाया होता है जिस जो उसको नहीं पसंद जो उसको नहीं चाहिए होता जो नुकसानदेह है उसको बाहर फेंक देता है उसी तरह आप फरमाते हैं कि अपने दिल में जो मख्फी ख़्यालत हैं उनको अपनी नज़र के सामने फेरते रहो और फिर फरमाया कि जिस ख्याल या आदत या मलिका को रद्दी पाओ उसको काट कर बाहर फेंको ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे सारे दिल को नापाक कर देवे और फिर तुम काटे जाओ यानी अपना मुहासबा करो मुहासबा इस तरह से करो अपनी यादात को अपनी चीजों को अपने दिल के सामने लाकर उन पर गौर करो उनको देखो कि उनमें कोई रद्दी चीज तो नहीं और अगर है तो उसे निकाल कर बाहर फेंको फिर एक मौके पर हजूर अनवर ताला से अजीज़ फ़रमाते हैं कि हदीस में आता है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि जिस शख़्स ने रमज़ान के रोज़े ईमान की हालत में रखे और अपना मुहासबाए नफ़्स करते हुए रखे उसके गुज्त माफ़ कर दिए जाएंगे और अगर तुम्हें मालूम होता कि रमज़ान की क्या क्या फ़ज़ीलतें हैं तो तुम ज़रूर इस बात की ख़्वाहिशमंद होते कि सारा साल ही रमज़ान हो तो जरुमाते हैं यहाँ दो शर्तें बयान की गई हैं पहली ये कि ईमान की हालत और दूसरी ये है कि मुहासबा नफ्स अब रोज़ों में हर शख़्स को अपना मुहासबा करता रहना दे चाहिए देखते रहना चाहिए कि यह रमज़ान का महीना उसमें या इसमें मैं जायज़ा लूँ कि मेरे में क्या क्या बुराइयाँ हैं उनका जायज़ा लूँ उनमें से कौन कौन सी बुराइयाँ हैं जो मैं आसानी से छोड़ सकता हूँ उनको छोड़ूँ कौन कौन सी नकियाँ हैं जो मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर रहा उन और कौन कौन सी नकियाँ जो मैं इख्तियार कर कोशिश करूँ तो फ़र्माते हैं और ये नुस्ख़ा है रमज़ान के लिए हमारे लिए हर एक के लिए ते हैं अगर हर शख्स एक दो नकियाँ इख्तियार करने की कोशिश करे और एक दो बुराइयाँ छोड़ने की कोशिश करे और उस पर फिर कायम रहे तो समझे कि आपने रमज़ान की बरकत से एक बहुत बड़ी बरकत से फ़ायदा उठा लिया यानी ज़्यादा नहीं अपना मुहासबा करे पहले फिर उसमें दो चीज़ें देखे एक ये कि कौन सी बुराइयां मैं कर रहा हूं और कौन सी नेकियां मैं नहीं कर रहा फिर उन बुराइयों को उन बुराइयों को छोड़ने की कोशिश करें और उनमें से एक या दो सोच ले कि इस रमज़ान में मैंने ये एक दो ज़रूर छोड़नी है और सिर्फ उनको छोड़े नहीं बल्कि उनकी जगह एक या दो नेकियां इख्तियार भी करें और फिर उस उन नेकियों को इख्तियार करके उनको फिर हमेशा के लिए कायम रखे उनको फिर हमेशा के लिए जो है वो आ, उनको जो है वो हमेशा अपने सामने रखे तो ये वो मुहासबा है जो रमज़ान में हमें करने से फ़ायदा होगा अपनी ज़ात का मुहासबा करने से हमें जिसका फायदा होगा और इसीलिए फरमाया कि जिसने रमज़ान के रोजे ईमान के साथ और एहसाब के साथ यानी अपना मुहासबा करते हुए रखे फिर उसके गुनाह जो हैं वो बख्श दिए जाते हैं और इस दुनिया में जो अपना मुहासबा कर लेता है उसके बारे में हज़रत उमर का इरशाद है या अलैहि वसल्लम से आपने मरवी फरमाया है मरवी किया है या रिवायत फरमाई है रिवायत की है कि आपने फरमाया कि फिर उसका हिसाब दुनिया में या आखरत में जो है वो हल्का कर दिया जाता है यानी उसने अपना हिसाब दुनिया में ही किया मुहासबा किया और उस मुहासबे के नतीजे में उसने अपनी नकियाँ अख्तियार और बुराइयों को छोड़ा तो फिर खुदा तला भी जो है वो उससे मखवी उसको उसके हिसाब को खफीफ कर देता है उसके हिसाब को हल्का कर देता है तो मुहासबा नफ्स रमज़ान में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और फिर आखिर में हजूर ने जो बात बयान फरमाई एक से दो बुराइयाँ इंसान चूज़ कर ले कि मैंने छोड़नी है और एक से दो नेकियाँ उसके बदले में जो है मैंने कायम करनी हैं तो उसके ज़रिए से जो है इंसान जो है वो निकी को पा सकता है मजीद नकियाँ पा सकता है और आहिस्ता आहिस्ता बुराइयों को छोड़ सकता है अल्लाह ताला ताल इन बातों पर अमल करने की फरमाए अल्लाहुम्मा तोफ़ी तफ़रमाए अल्ला मुहमदिन वाली मोहम्मदन वबारक वसलम इन्ना का हमीद वम मजीद